हेलो गाइस, जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे ईयरबड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। बट फिर माइंड में एक सवाल जरूर आता है, कौन से ईयरफोन लेने चाहिए, बेस्ट ईयरफोन कौन से है, वो भी बजट में। तो मैं बात कर रहा हूँ Realme Buds Air 2 की। मैंने इसे लॉन्च होते ही बाय कर लिया था और अब पूरे 3 मंथ बाद इसको तसल्ली से यूज करने के बाद रिव्यू कर रहा हूँ। तो रिव्यू को एंड तक जरूर देखना, कहीं आपके पैसे बर्बाद ना हो जाए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर दबाना, सब्सक्राइब बटन के साथ में ही होता है। तो गाइस, Realme Buds लेने से पहले मैं सोचता था कि बजट ईयरबड्स बढ़िया नहीं होते, उनकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बिल्ड क्वालिटी तो बिल्कुल ही बेकार होती है। बट Realme ने मुझे मेरी सोच बदलने पे मजबूर कर दिया। गाइस, जो इसकी लुक्स और साउंड क्वालिटी है ना, और वो भी 3300 के प्राइस टैग पे, बहुत बढ़िया है, अमेजिंग। लुक्स में ये 2 कलर्स में मिलते हैं, सिल्वर व्हाइट एंड ब्लैक। मैंने ब्लैक इसलिए चूज किया क्योंकि ये क्लासी लगते हैं ईयर में डाले हुए। मैंने इसमें हर टाइप का म्यूजिक टेस्ट किया और इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी इंप्रेसिव है। ऐसा लगेगा जैसे कि 6-7 हजार के ईयरबड्स यूज कर रहे हो, और मूवी के टाइम तो टोटली थिएटर लाइक एक्सपीरियंस देते हैं ये। मानना पड़ेगा काम किया है Realme ने तसल्ली से। एक बात मुझे इसकी और अच्छी लगी, इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा बट काफी काम का फीचर है। नॉर्मली अगर आप ट्रेन में हो या फिर पब्लिक प्लेस पे आप थोड़ी देर की स्लीप चाहते हैं, तो सिंपली बिना म्यूजिक के इसको कान में लगा के इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ट्राई कीजिए, बहुत फर्क डालता है उस टाइम पे, आपको बहुत प्यारी नींद आएगी। इसके कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो थोड़ी सी आवाज गूंजती है, ऐसा लगता है कि रोबोट बात कर रहा है, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का ही। बट इसको हम आराम से इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसके बाकी फीचर्स की वजह से। एक बात और, मैंने इसमें लगातार 3 मूवीज देखी है और इसकी बैटरी तब भी खत्म नहीं हुई। इसका बैटरी बैकअप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में 4 घंटे का है और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करने पे 5 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। IP रेटिंग भी मिलती है, यानी हल्की बुल्की बारिश में आराम से इसका यूज कर पाएंगे। एक बात मुझे और अच्छी लगी Realme की इतने छोटे प्राइस टैग पे, एक ऐसा फीचर जो कि छोटा है बट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ईयरबड्स को कान से निकालेंगे आपकी मूवी या सॉन्ग पॉज हो जाएगा, और जैसे आप वापस कान में डालेंगे आपका मूवी या सॉन्ग वापस से प्ले हो जाएगा वहीं से। ट्रस्ट मी, बहुत ही यूजफुल फीचर है, जब आप इसे बाय करेंगे इसको फील करेंगे। और इसकी ऐप में आपको काफी सेटिंग्स देखने को मिलते हैं अगर आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं, जैसे बेस बूस्ट करना, ट्रेबल वगैरह। और एक और मेन बात, गेमिंग वाइज भी अच्छे हैं 3300 के प्राइस टैग में। हालांकि मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई गेमिंग करते टाइम इस ईयरबड्स के साथ, बस थोड़ी लेटेंसी तो है ही, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आराम से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस निकालेगा ये। ओवरऑल अगर मेरी राय माने तो आपको ये ईयरबड्स बाय करने चाहिए 3300 के प्राइस टैग में, क्योंकि अभी इसके मुकाबले का और भी कॉम्पिटिटर मार्केट में है नहीं, और ये बेस्ट बाय है, वैल्यू फॉर मनी है 3300 के प्राइस टैग में। कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी आप करंट कौन सा ईयरबड यूज करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।